नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो है पहले भी एक दो प्लांट रिपोर्ट किए थे, आज जो है ये एक जेड का प्लांट है और इसको जो है आज मैं सोच रहा हूं कि एक दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो मेरे पास अभी दो ऑप्शन है, एक तो ये पॉट मेरे पास है, इसमें फाइकस का प्लांट था जो मैंने जो है रिपोर्ट कर दिया, और ये पॉट जो अभी खाली है। तो या तो हम इस प्लांट को इसमें शिफ्ट करेंगे या फिर एक इस छोटे बोनसाई पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो पहले जो है प्लांट को बाहर निकाल के देखते हैं और इसकी शेप जिस हिसाब से इन दोनों में से जिसमें ठीक लगेगी उसमें हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो इसको मैं एक बार साइड में कर देता हूँ और इस प्लांट को हम निकालते हैं। ये एक्चुअली में कल मैं रिपोर्ट करने वाला था, कल मैंने इसको जो है प्लांट को जो है इस पॉट से बाहर निकाल दिया था इस तरीके से। ये देखिए, ये लगभग जो है सूखा हुआ है। इसमें जो है मोस्टली जो मिट्टी है वो रिवर सैंड है, तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर की और नीचे की जो मिट्टी है थोड़ी थोड़ी वो निकाल लेंगे। इसमें एक लोहे की जाली लगी हुई थी नीचे जो कि जंग खाकर पूरी ख़राब हो चुकी है, इसको हम साइड में कर देते हैं। अब जो है प्लांट को ऐसे रखते हैं और ऊपर की जो मिट्टी है थोड़ी थोड़ी वो निकालते हैं पहले। वैसे तो जेड प्लांट को आप किसी भी टाइम पे जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोगों की क्वेरी यही आती है कि हमारा जो जेड प्लांट है वो ख़राब हो गया रिपोर्ट करने के बाद। जेड प्लांट को रिपोर्ट करो या कैसे उसकी कटिंग लगाओ बहुत आसानी से ग्रो होता है। इसमें थोड़ा सा पानी का आपको ध्यान रखना है कि पानी कितना देना है और कब देना चाहिए। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि कितना पानी और कब देना चाहिए। मैं कभी भी रिपोर्ट करने के तुरंत बाद जो है पानी नहीं देता जेड प्लांट को। इसकी जो शेप है वो भी हमें चेंज करनी होगी, ये कुछ इस तरीके से हम रखेंगे ताकि इसकी जो कैनोपी है वो ठीक लगे। और ये जो नीचे ब्रांचें ग्रो कर रही है इनको हमें रिमूव करना है, ये भी रिमूव कर देंगे। इसका स्टाइल जो है थोड़ा थोड़ा मुझे जो अफ्रीकन बोनसाई होता है उसके जैसे लग रहा है, तो मैं इसको वैसे ही ग्रो करने की कोशिश करूँगा। तो इस साइड का जो मिट्टी है वो हम थोड़ी सी ज़्यादा निकालते हैं क्योंकि हम इसको इस तरीके से लगाने वाले हैं। चलिए, इसकी जो नीचे की रूट्स है उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, जो मोटी रूट है उनको निकाल देते हैं हम। एक तो ये है, इसको निकाल देता हूँ मैं, और एक इस साइड है इसको निकाल देते हैं। इतनी काफ़ी है, बाकी रूट्स जो है इसमें रहने देते हैं। तो ये हमारा प्लांट है और इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। चलिए, पहले इसको हम पॉट में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद इसकी जो प्रूनिंग का काम है थोड़ा बहुत अगर कटाई छटाई करनी होगी तो वो करेंगे। अब इस मिट्टी को जो एक बार मैं नीचे उतार लेता हूँ। अब जो है पॉट तैयार करते हैं, देखता हूँ पहले मैं कौन से में ठीक लगेगा। पहले बड़े वाले पॉट में देखता हूँ इसमें कैसा लगेगा। ये इसमें जो है प्लांट से ज़्यादा बड़ा जो है पॉट ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसमें देखता हूँ इसमें आएगा भी या नहीं। देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है यार। इसमें तो इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी और हटानी पड़ेगी, फिर हम इसमें इसको शिफ्ट कर देंगे। देखिए प्लांट इस तरीके से लगेगा, थोड़ा सा यार बड़ा लग रहा है प्लांट, थोड़ा सा बड़ा है। इसको हम दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं। मेरे पास एक पॉट और है प्लास्टिक का, उसमें देखते हैं। और तो ये एक पॉट है बोनसाई पॉट है प्लास्टिक का, तो इसमें हम इसको लगाएंगे, इसमें ठीक रहेगा ये। तो इसको मैं एक बार साइड में कर देता हूँ और इस पॉट में सबसे पहले हम जो है होल कर लेते हैं, होल करने बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसमें जो होल है वो कर लेता हूँ। ये देखिए इसमें पहले से निशान बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनके अंदर ही मैंने होल कर दिए। इस वाले में और कर देता हूँ। होल करने के लिए मैं एक पेचकस का यूज़ कर रहा हूँ, आप और किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है हम एक लेयर पहले लगाते हैं जो कि कंकर की होगी। एक लेयर जो है इसमें कंकर की लगा देता हूँ मैं, उसके बाद सोइल मिक्स। सोइल मिक्स आप वैसे तो जेड के अंदर कैसा भी लगा सकते हैं, अगर बोनसाई सोइल यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। चलिए, आप जो है
इसमें सॉइल मिक्स है वो ऐड कर देता हूँ। इसके बाद हम इसमें प्लांट लगा कर देखेंगे कि कहाँ पे उसकी शेप ठीक है। अब जो इसको प्लांट को रख के देखेंगे कहाँ पे शेप इसकी ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है ये। अब जो इसमें और सॉइल हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, हम अच्छे से इसको स्टिक से फील कर देंगे ताकि एक जगह फिक्स हो जाए। अब हमें क्या करना होगा, प्लांट के अंदर जो है और सॉइल ऐड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो सॉइल ऐड करेंगे उसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा ऐसा सॉइल रखा है जो थोड़ा मोटा है। इसके अंदर जो DAP है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ इस बार। DAP जिसका टाइम जा चुका है, वो एक्सपायर हो चुका, इसके अंदर की जो इसकी ताकत थी मेन वो निकल चुकी है, तो आई होप ये इसको नुकसान ना करे। कुछ दिन तक हमें जो है प्लांट को ऐसे ही रखना होगा, इस पर कोई और काम नहीं करेंगे जब तक ये अच्छे से अपनी पकड़ जो है इस नए सॉइल में ना बना ले तब तक। बाद में हम इस पर फिर काम करेंगे। ये जो टुकड़े आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली में क्या है, बोन मील और जो नीम खली है वो है। ये क्या भीगने की वजह से इस तरह से हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ इनको भी हम इसी में यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें जो है पानी नहीं देंगे, इसको ऐसे रखेंगे, लेकिन इसकी जो प्रूनिंग का काम है वो हम कर लेते हैं। तो इसको मैं एक बार साइड में कर देता हूँ। अब जो ये ब्रांच है इसकी, इनको हम रिमूव कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। एक ये हमें नहीं चाहिए और एक ये भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी हम हटा देते हैं और इसको भी हम हटाएंगे। ये जो छोटी सी ब्रांच स्टार्ट हो रही है इसको भी हम हटाएंगे। अब इसकी जो ये ब्रांचें हैं इन पे थोड़ा सा हमें काम करना होगा। फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसकी जो ग्रोथ है, जब ये ग्रोथ स्टार्ट करेगा फिर हम इसको प्रून करके इसको ग्रो करेंगे। दोस्तों इसकी जो ये कटिंग आपको दिख रही है छोटी छोटी, ये भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसको मैं इसी में लगा देता हूँ यहाँ पे कॉर्नर में, और इनको हम निकाल लेंगे, ये आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो जो प्लांट है वो हमने पोट कर दिया है और आपको इसकी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। दोस्तों आप भी जेड प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बोनसाई बनता है और ज़्यादा मेहनत के बिना। इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ पानी कम देना है। आपको पीछे भी दिख रहा होगा एक दो प्लांट मैंने और बना रखे हैं, एक ये रहा और एक दो प्लांट और है मेरे जेड के। मैं और भी प्लांट तैयार करूंगा इसी तरीके से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।